चारों जो सीटें हुई थी वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। झारखंड में ही आपकी राजनीतिक जमीन बचने की उम्मीद है, बिहार में तो पूरा आपके राजनीतिक परिवार का सुपड़ा साफ होना 2025 में तय है। पी और बिहार में ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव का थोपरा साफ। जो जन समर्थन बिहार और झारखंड के लोगों ने जो दिया है, इसके लिए हम बिहार और झारखंड के लोगों के आभारी हैं। और पिछले बार आप लोग सब लोग जानते हैं, एक सीट मात्र हम लोग जीत पाए थे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है झारखंड में किया है, और लगातार हम लोगों की प्रयास रही थी कि जितने सीट पे हम लोग लड़े वो हम लोग जीते। 4 सीट में हम लोगों की जीत हुई है और 1-2 सीट पे बहुत ही कम मार्जिन से हम लोगों की हार हुई है। अगले बार कोशिश, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बिहार उपचुनाव की जहां तक बात है, जो चारों जो सीटें हुई थी वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में 25 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है। आगे जो भी है इस पे हम लोग जो विश्लेषण पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन अच्छा है कि अभी जो है तैयारी करने का मौका हम लोगों को मिलेगा और हम लोग जो कमी होगी उसको दूर करते हुए इतना इंश्योर करते हैं कि किसी भी कीमत पे बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। तेजस्वी यादव जी, पटना आगमन पर आपका यह दावा कि झारखंड में हम जीत गए, बिहार में हार गए तो बिहार में फिर जीतेंगे, अरे झारखंड में बिहार के बेउर जेल से ले जाकर इसका कोडरमा में नामांकन कराया हथकड़ी लगा हुआ उम्मीदवार और उसके सामने राजनीतिक प्रवचन दे रहे थे, तो आपके उम्मीदवार की तो हार हो गई। बिहार में आप 0 पर आउट हो गए, इसलिए बेहतर यह होगा कि बिहार की राजनीति आपके बस का नहीं है, इसलिए आप झारखंड की ओर अपने कुछ करिए। झारखंड में ही आपकी राजनीतिक जमीन बचने की उम्मीद है, बिहार में तो पूरा आपके राजनीतिक परिवार का सुपड़ा साफ होना 2025 में तय है। स्वाभाविक है, झारखंड में जो आया है रिजल्ट उसको हम कबूलते हैं, स्वीकारते हैं, लोकतंत्र की यही खासियत है। लेकिन बिहार में लालू यादव का थोपरा साफ कर दिया बिहार की जनता ने उपचुनाव में। यूपी और बिहार में ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव का थोपरा साफ। जो लोग 30 साल से यहां अपना दल चला रहे हैं, अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का रामगढ़ में 3रे नंबर पर है। अब आप बता दीजिए कि वहां भाजपा के जीतने से जनसुराज का क्या लेना देना है? वो किसने रोका था उनको जीतने से? किसने रोका है आप बताइए ना। तरारी में सीपीआई एमएल हारी है भाजपा से, तो क्या वो जनसुराज की वजह से हारी है? इमामगंज का हमने आपको बताया, अगर इमामगंज जनसुराज नहीं लड़ रहा होता तो ये अराजक वाले 5,000 से नहीं 25,000 से चुनाव हारते। बेलागंज में जनसुराज को 17,000 वोट मिला है। 17,000 वोट को राजद के वोट में अगर आप जोड़ भी दीजिए, मान लीजिए एक बार को जोड़ दीजिए, तो भी 5,000 से हारेंगे। ये आप लोग को अपना नैरेटिव एक चलाने का भाई, कुछ से कुछ हम आपको कह रहे हैं कि अगर जनसुराज नहीं लड़ता तो और ज्यादा मत से आरजेडी वाले हारे होते। बेलागंज में जनसुराज की वजह से राजद हारी है कि नहीं हारी है, इसको अगर देखना है तो भाई बूथ वाइज डेटा आया हुआ है।
I-20 निकाल लीजिए और ये देख लीजिए कि जो मुस्लिम गांव हैं, यही तो आरजेडी वाले कह रहे होंगे, मुस्लिम गांव जितने भी हैं वहां देखिए कि किसको वोट मिला है। वहां वोट न राजद को मिला है न धनसुराज को मिला है, सारे मुस्लिम गांव में लोगों ने वोट दिया है जदयू और भाजपा गठबंधन को। तो ये जाके वहां के मुसलमानों से पूछिए, उन्होंने वोट दिया है, जिसको वोट दिया है वो जीत कराया है।